अभी देखिए नमक डाल रहा है और इतना शुगर लिया, शुगर उसमें ऐड करेंगे। देखिए ग्रेवी पूरा उबल रहा है, मसाला रेडी हो गया है, ग्रेवी टमाटर पेस्ट डालेंगे और ये मसाला हमारा बन चुका है। अब ये ग्रेवी लेके जा रहे हैं, टमाटर की ग्रेवी। देखिए ये जो है सो आज हमारे शेफ हंडे लगा दिए हैं, बनेगा यहाँ पे टमाटर की ग्रेवी। बना रहे शेफ yes. तो हमारे शेफ आज टमाटर की ग्रेवी के लिए बैठा रहे हैं, टमाटर को बॉईल करके पेस्ट करेंगे। कितना किलो टमाटर है शेफ? डेढ़ क्विंटल yes. देख सकते हैं डेढ़ क्विंटल का जो टमाटर की ग्रेवी बनेगा हमारे पास। इतना टमाटर का ग्रेवी कैसे बनाते हैं वो आप लोग नहीं जानते हैं, तो वीडियो पे बने रहें। ये दो पैकेट और दो अभी आइए रहा है, अभी तो अभी शुरुआत हुआ है। ऐसे पूरा भर जाएगा ये? ओह टमाटर, इतना महंगा टमाटर और इतना ग्रेवी बना रहा। चलिए वीडियो पे बने रहें और जो है सो आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या डालेंगे इसमें सो। और भी अभी एक पैकेट आ रहा, और भी, और देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा हंडी भर चुका है और इसमें आ गया काजू मगज डालने के लिए। काजू मगज डाल के इसमें डायरेक्ट बॉयल करेंगे। ये है मगज, ये मगज है और ये इसमें काजू ऐड हो रहा है। कितना किलो काजू? ढाई किलो काजू है, अढ़ाई किलो काजू और अढ़ाई किलो मगज है। इतना पूरा हंडी से भी ऊपर हो गया है, तो ऊपर हो गया लेकिन बॉयल होते होते जो है सो और कम हो जाएगा। ये जब नीचे से टमाटर पकने लगेगा ना तो नीचे चला जाएगा, तो पूरा ऊपर दिख रहा है हंडी का ऊपर। और इसको वीडियो और ये टमाटर की ग्रेवी पेस्ट करने के लिए आ गए हैं। जितने भी इंडियन ग्रेवी करी जो बनता है वो इसी से बनता है, अभी उतना पेस्ट करना है, पूरा दिखाएंगे आप लोग को। एकदम वीडियो पे बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें कैसी ग्रेवी बनता है, तड़का वगैरह कैसे लगाते हैं। तो अभी पेस्ट चल रहा है, ये पूरा पेस्ट हो चुका है। अब तड़का मारेंगे, थोड़ा सा बचा है, अब तड़का में मिलते हैं। देख सकते हैं इसमें काजू मगज टमाटर
देखिए ऑयल डाल रहा है। दो लीटर ऑयल डाल दिया। दालचीनी इलायची डाल दिया। तेज पत्ता डाल दिया। अभी कस्तूरी मेथी डाल रहा है। अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया। अभी देखिए कश्मीरी चिली डाल रहा है। एक पैकेट दो पैकेट डाल दिया। अभी जीरा पाउडर एक पैकेट डाल दिया। अभी देखिए नमक डाल रहा है और इतना शुगर लिया। शुगर उसमें ऐड करेंगे। देखिए ग्रेवी पूरा उबाल रहा है। मसाला रेडी हो गया है। ग्रेवी टमाटर पेस्ट डालेंगे और ये मसाला हमारा बन चुका है। अब ये ग्रेवी लेके जा रहे हैं। टमाटर की ग्रेवी देख सकते हैं, बहुत बड़ा हंडी है। दो आदमी मिलके डाल रहे हैं। इसी तरह रोगन आने के बाद आप लोग भी डालें टमाटर का पेस्ट करके, जो काजू मगज टमाटर पेस्ट करके रखे हैं वैसे ही डालें। और भी थोड़ा, और भी एक हंडी है वो देखो, पूरा ये जो है सो पूरा भर गए हैं। और थोड़ा पानी मार के फिर डाल देंगे इसी में। और ये ओके, और ये हमारा शेफ है। यही शेफ है मेरा, इंडियन का शेफ। इंडियन का ग्रेवी बनाता, करी भी बनाता। वो थोड़ा देखने में छोटा है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। हाइट कम है लेकिन बनाता खाना जो है सो बहुत तगड़ा, ज़बरदस्त खाना बनाता है। पूरा ऑर्डर मारते हैं। आप लोग देखे होंगे वीडियो में मेरा, मैं वीडियो इसका डाला हूँ पहले भी। आज टमाटर ग्रेवी बना रहे हैं तो देखिए लास्ट तक देखिए आप लोग। मसाला किसाला तो डाल दिए तो आप लोग देखे थे, पेस्ट कैसे करना है वो भी देखें। और ये मिनिमम कितना देर पकेगा सेब? जैसे कि 4 से 5 घंटा इसलिए पकाना पड़ता है कि हम लोग गर्म नहीं करते हैं इसको, डायरेक्ट डीप फ्रिज में रखते हैं। और जहाँ पे गर्म डेली करना पड़ता है, सुबह शाम हर जगह जो है सो कहीं कहीं गर्म करता है, कहीं कहीं नहीं गर्म करता। तो अगर आप लोग सुबह शाम को गर्म करना है तो 1.5-2 घंटा पका के, पतला पका के रख दें।
और अगर डीप फ्रिज में रखना है तो थोड़ा डीप करना है, घट करना है, और दो चार घंटा पकाना है इसको। तो अब उबाल मारेगा, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। That's it, boys.